गाइस देखो कल श्री राम जी की दिवाली है और यहाँ के इसके उत्सव पे देखो सबने दिवाली मना ली है श्री राम जी के उत्सव पे। सबके घर में दीवे चलने चाहिए जैसे दिवाली। सारे नमस्कार श्री राधे राधे। सुबह सुबह के बज गए हैं भी 9, तो आप सबको राधे राधे सत श्रीकाल जी। तो शाम में ले आया थी छाक दुकान पे, तो ये रहा अभी बख, ये हमारे घर में भी खेतों में फ्री ही है। ये भी कौन साढ़े उधर हिमाचल से बोल रहे थे कोड़े तो, ये भी पैसे दे कर जाइए फिर तो भाई घर में तो अपने खेतों में क्यारी हो गए फ्री की होती है। और ये है भाई हल्दी हल्दी पालक। और ये भाई सबसे ये जो है हमने गमलों में लगाई थी भाई ऊपर एक टप फटा हुआ था उसमें मिट्टी डाल के ये लगाई थी और थोड़ी सी गमलों में भी थी। तो चलिए दी आज करते हैं साग की तैयारी। आज बनाएंगे भी साग ना बनेगा ये साग पूरा अभी पानी आया तो धो धो लेते हैं इसको और इसको पकने डाल देंगे घोट घोट के रख देंगे और शाम में तड़का मारेंगे इसको भाई शाम में बनाएंगे फिर ये रहा भाई साहब इसको करते हैं भाई साहब। ये रहा पानी पानी आया भाई तो चलिए इसको करते हैं साफ। और ये मिर्चें तो फटाफट करते हैं भाई इसको साफ। और ये अपने गमलों की है भाई सरसों गमलों में डाली थी तो चलिए करते हैं साफ भाई इसको फिर काटते हैं और करते हैं भाई इसकी तैयारी भी पकाने के लिए। साफ तो काट कूट के कुकर में डाल दिया था पकने के लिए सो अब पक के हो गया है जी तैयार। तो चलिए इसको घोटने ये जी घोटना इसको घोटते हैं भाई साफ को घोटते हैं और फिर लगाते हैं भी तड़का फटफट इसको घोटते हैं गर्म गर्म ठंडा जाएगा तो फिर आसान नहीं होता घोटना। तो चलिए घोटते हैं भाई साग को फटाफट। तो लो जी ये पक के तैयार हो गया हमारा साग सो इसको घोटते हैं फटफट साग को घोटते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। इसको लगाएंगे भी तड़का जी साग तो घोट दिया और गैस पे तर दी भाई कढ़ाई गर्म होने के लिए हो गई है गर्म। तो चलिए डालते हैं इसमें तड़का तेल डालते हैं भाई पहले तो मेरी झोंपड़ी के बाग खुल जाएंगे जियो जी। तेल गर्म हो गया ये भी मिर्च और साथ में गया धनिया ये गया जीरा भाई मेरी झोंपड़ी के बाग फूल ये गया भाई अदरक अदरक और लहसुन और साथ में प्याज थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी और बड़े कटे हुए टमाटर Thank you.
चलो जी, हो गया हमारा तड़का पक के तैयार। तो अब डाल कर इसमें सबको श्री राम जी आ जाओ मारी नगरिया, ये अखियां तर से हारिया। श्री राम जी आ जाओ हमारी नगरिया, ये अखियां दर्शन कर। तो जी ये हो गया हमारा शाह खाने के लिए तैयार भी। लो जी बन के हो गया भी तैयार। लो जी ये हो गया साथ तैयार भी, तड़का लगा के खाने के लिए। जो चलिए वो खाते हैं रोटी। रोटी मैंने पहले बना दी थी, तो चलिए वो खाते हैं रोटी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये हमारे पड़ोसी हैं, हम सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हमने सब सबने दिवाली बना ली है श्री राम जी के उत्सव पे। सबके घर में दीवे जलने चाहिए, जैसे दिवाली हम बनाते हैं वैसे। और अभी जो है अभी हमारी यहाँ पे राम यात्रा निकली, यात्रा निकली थी अभी, तो हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। किस नाम से? कक्के, कक्के, हाय, हेलो, सबको राधे राधे, जय श्री राम। आजकल जी देखो दिवाली जैसे माहौल बन रहा है अभी, हर गली गली भाई। हमारे घर में तो बहुत सफाइयां वगैरह हुई है, जैसे दिवाली में सफाइयां वगैरह करते हैं, और हमने दिवाली बनानी है श्री राम जी की पे। और कितने भाग्यशाली अभी हमें जो है श्री राम जी के निमंत्रण मिले, निमंत्रण कार्ड मिला है, साथ में जो है प्रसाद भी है। और अभी अभी जो है अंगली मोहल्ले से रथ यात्रा भी निकल रही है, और वहाँ भी हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, थोड़े से आगे तक गए। और इतनी ठंड है, बहुत ज्यादा धुंध पड़ी है, फिर भी लोग जो है
गली गली चुराए चुराए में घूम रहे हैं श्री राम जी के रथ यात्रा लेके। देखो जी हमारे पास श्री राम जी की मूर्ति भी है, कल हम इनकी पूजा करेंगे। और बहुत बड़ी दिवाली से ज्यादा दिवाली बन रही है हमारी, हिंदुओं की दूसरी दिवाली आ रही है, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। गली गली चुराए चुराए में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है और सारे अपना टाइम निकाल के रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और कल सबने अपने घर में दिवाली बनानी है, दीवे जलाने हैं, पूजा करनी है, अपने घर में अच्छा खाना बनाना है, खाना पीना है, एंजॉय करना है। और निमंत्रण कार्ड तो सभी को मिले, हमारे को निमंत्रण कार्ड तो मिल गया भाई। हम तो अयोध्या जा नहीं सकते तो इसी करके घर में अयोध्या तो जा नहीं सकते थे, पर हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का आदेश है भी अपने घर में ही और जो आसपास में मंदिर है वहाँ साफ सफाई करके वही दिवाली मनाओ, बाद में आना जो की वहाँ पर बड़े बड़े लोग जब हमें श्री राम जी बुलाएंगे। भीड़ बहुत ज्यादा है और जा नहीं सकते आजकल, ठंड भी उधर बहुत ज्यादा है। जैसे हमें आदेश मिले अपने प्रधानमंत्री जी के तो वैसे ही और जब बुलावा आएगा तो हम सब साथ मिलके जाएंगे कहाँ, अयोध्या श्री राम जी के पास। कुछ तो बोल दे, बोल दे राम राम ही बोल दे, बोल जय श्री राम, जो से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो तो चलिए जी आप भी अपने घरों में, आज खुल जाएंगे राम आएंगे, चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो चलिए जी बहुत टाइम हो गया और ब्लॉग भी हमारा पूरा बन गया, सो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।